अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक होगा जी अनदर ब्लॉग के अंदर। वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड। अभी जो है ना हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर के यहाँ ईदी देने के लिए। और ईदी जो है ना आपको पता है बहनों के बस एक रस्म ही है, एक बहनों का हल्का सा मान ही होता है, बाकी ये कोई बहुत अमाउंट नहीं होती। तो यहाँ पे बेगम जो है ना ये रेडी हो रही है यहाँ पे। हाँ, बच्चे हमने स्कूल भेज दिए हैं और बच्चों को स्कूल भेज के हम लोग तैयार हो रहे हैं ताकि हम लोग चले जाएं। उनके गए पे आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है तो हमने सोचा है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन लिए हम लोगों ने, तो तैयार श्यार होके ना अब बल्कि ईदी भी दिखाते हैं कि क्या लेके जाना है हमने। मेरी बड़ी आ चुकी है, मेरी बल्कि एक और जगह से भी, एक और दूसरे भाई की तरफ से भी ईदी आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो हम ईदी लेके जा रहे हैं, अभी हमने सोचा क्योंकि अभी आधे रोजे जो है ना वो गुजर चुके हैं, तो अभी जाने से पहले, इससे पहले कि उनकी ईद पे ये कपड़े सिले ना, हम लोग जाके पहुंचा आए उनको, क्योंकि एक सिस्टर तो है वो आउट ऑफ कंट्री होती है। हाँ, वो उनका यहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है। वो हमारे लिए तो आउट ऑफ कंट्री है, होती तो बेशक वो उसी गांव में है जहाँ पे जो हमारा गांव है, तो इसीलिए हमने जब वहां पे जाएंगे तो उसकी ईदी वहीं पे ले जाएंगे जाते हुए, जब हमारा चक्कर लगेगा तो। लेकिन जो पास वाली नजदीक वाली जो सिस्टर है ना, तो उनकी तरफ हमने सोचा हुआ है कि बच्चे जाना है। मौसम बहुत प्यारा है, मौसम बड़ा जबरदस्त है तो, और बच्चे स्कूल भी गए हुए हैं, हमने अपनी देर में देख के वापस आ जाना, रोजा रखा हुआ है, तो इसलिए सुकून से जाएंगे, एक घंटा लगाएंगे और बैठ के ईद भी देंगे, मुलाकात भी कराएंगे, उनकी तबीयत का भी पता कराएंगे, तो जल्दी से भी रेडी होते हैं। अच्छा जी, ये जो दोनों सिस्टर्स हैं ना, यानी मेरी नंदे हैं, उनके हमने सेम ड्रेसेस लिए हैं, ये दोनों के हैं, ये आसम जुफा के हैं, और दोनों का जो ईद कलेक्शन है ना ये हमने खरीदी है। अभी मैं इसको खोल नहीं रही क्योंकि इसके बाद जो है ना इनके जो पार्ट होते हैं ना वो नहीं मिलते। ये दोनों के हैं, ये देंगे, और ये मेरी ईद आ गई है वकास की तरफ से, तो चलें ये आपको दिखा दूं। ये वकास मेरा बड़ा भाई है, मुझसे सारे छोटे हैं, लेकिन जो मेरे बाद वाला नंबर है ना, सबसे पहले भाइयों में वो है। ये अभी हमारा, ये जो मेरा ईद का ड्रेस है, रिफ्लेक्शन आ रही है, बस ठीक, ये ठीक है। अब मैं खोल के दिखा दूं तो ये मेरा ईद का ये जैकार्ड में सूट है, अभी इसकी मुझे तैयारी करनी है, इसकी स्टिचिंग रह गई है। ये इसकी शर्ट का फुली एम्ब्रॉयडर्ड, ये इसका फ्रंट है, सारा ग्रीन और ब्लू थीम में है। उस दिन अभी बच्चे याद कर रहे थे कि मम्मा ब्लू और ग्रीन कलर नहीं है आपके ड्रेसेस में, तो साथ ही वो भी आ गया। ये इसका, ये छोटी बूटी में इसकी जैकार्ड प्लस ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना, ये इसकी स्लीव्स है, ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड ही पूरी ये बैक है इस तरह, और इस पर भी वही सेम छोटी छोटी सी बूटी बनी हुई है। और इसके साथ इसका ये मोनार्क सिल्क में दुपट्टा है ये वाला, ये इसका इस तरह टाई एंड डाई स्टाइल में, एक साइड पे ग्रीन है, लाइट ब्लू ग्रीन, और जो इसकी दूसरी साइड है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये वाला, ये देखें इस तरह से, ये इसकी जो दूसरी साइड है, अभी इसको कुछ लगवाएंगे इसकी साइड्स पे। ट्राउज़र इसका जो है वो ब्लू कलर में ही है, और ट्राउज़र इसका प्लेन है, सूट जो है इसका जैकार्ड में है, और बाकी ये मोनार्क में दुपट्टा है, सिल्क मोनार्क है, दूसरी नहीं है। और ये मेरा जो है अभी ईद का ड्रेस एक और आ चुका है, इसकी भी अभी सिलाई होनी है। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं जाके, सबसे पहले जो है ना ईदें अभी तक तो हम कलेक्ट ही कर रहे हैं, अब देने की बारी जो है ना वो हमारी शुरू हो गई है, अब उनको दे के भी आते हैं। तो ये हमारा मेरा ज़बरदस्त सा, मुझे बड़ी पसंद आई है ईद, और इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी है ना, बैठे होते हैं नहीं, तोते नहीं होते हैं, बहुत प्यारा इसका जो है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत है। अभी ये लेटेस्ट ईद वाली कलेक्शन है, इसकी जो सिग्नेचर है ना बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जब इसको रेडी करेंगे ना फिर पहनेंगे, फिर ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले तो इसके जो सेपरेट है, और सबसे मुझे इसकी अच्छी बात लगी है, इसका पैच सेपरेट नहीं है, इसका लगवाने वाला काम नहीं है, वरना पैच लगवाने अलग, उसकी सारी चीज़ों का जो है ना वो फ़र्क पड़ता है, जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है ना उसकी स्टिचिंग वगैरह का काम बहुत आसान हो जाता है। तो दिखाया था कि फैन ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से करके दूसरा रूम हमने चेंज किया है। ये बेसिकली मेरा बेडरूम था, मेरे बेडरूम में सब लोग शिफ्ट हुए हैं, और ये मेरे बेडरूम की हालत देखें क्या हो गई है। ये मैट्रेस लगाए हैं नीचे, हमने सही करते हैं, एक हमने गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, वो सारी अभी सेटिंग करनी है, मैट्रेस हमने साथ साथ नीचे लगा लिया था, अब जब तक पंखा चेंज नहीं होता, मौसम शुक्र है कल का बहुत अच्छा है, लेकिन पंखे के बगैर अभी नींद नहीं आती कि हम कहें कि वो इतना अच्छा मौसम है, इतना अभी कोई प्यारा नहीं है, लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे साइड पे कहीं ना फैन का भी कुछ करते हैं, कि कोई बारिश वगैरह कहीं इर्द गिर्द किसी इलाके में हुई है, कुछ हुआ है जो इतना अच्छा मौसम हो गया बाहर, बड़ा प्यारा जो है सुबह के टाइम पे, हम बाइक पे जाएंगे आज, गाड़ी पे नहीं जाएंगे, और मैं जूते वगैरह निकालूं फिर हम चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे, और ये देखें जी, बल्कि पहुँचने वाले हैं गांव में, पहुँच गए हैं, मौसम बहुत प्यारा,
आसमान बादल सारा सबका हल्का सा कहीं थोड़ा सा नजर आता है, साइडों पे साइडों पे मैं है, लेकिन बाकी जो है ना मौसम बहुत प्यारा है। हमने आज अच्छा डिसीजन लिया कि हाँ कि हम आ गए हैं आज ही ना, वरना बहुत जो दो दिन है ना शदीद गर्मी रही थी, मुश्किल लग रहा था। अभी हम आए हैं, ये मैंगो का फुल देखें फ्रूटिंग हुई हुई है, कितना प्यारा मौसम लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये कितना प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा है। ओए ओए ओए, ये मैंगो के ऊपर फ्रूटिंग, मैंगो का बाग है यहाँ पे, साथ ही गंदम दिखाएं, गंदम और गंदम जो है ना गंदम फुल पोषण के ऊपर आ चुकी है। ये देखें अब ये कुछ दिनों के बाद सारा कुछ सुनहरी सुनहरी नजर आएगा। अभी पीछे जितना सब्जा है इस साइड पे इतना प्यारा सा उसका शेड बना हुआ है ना, जैसे मेहंदी का कलर होता है ना बिल्कुल उस तरह ऐसे ही है, ऐसे ही बादल क्या, और मौसम जो है ना अभी सूरज निकल रहा है। ये बाइक पे मजा आया, वैसे आज का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि वो हम गाड़ी पे नहीं आए, बाइक पे आ गए। बहुत बहुत प्यारा मौसम है टाइम पे, और है भी सुबह सुबह का टाइम, बादल तो हैं लेकिन चलें चलते हैं अभी मंजिल मकसूद की जानिब। हम एक सिस्टर को देके आ चुके हैं ईदी, और जो है ना अभी मिमी को साथ वापसी भी आते हुए, मिमी को भी ले आए हैं स्कूल से, एक टाइम हो गया था इसका 10-15 मिनट का टाइम था, इसको हम पिक करके आ गए। ये सिस्टर करीब ही थी, तो अभी जो है ना हमारा प्लान बन रहा है, मौसम बहुत प्यारा है, अभी दूसरी सिस्टर के पास भी जाना है हमने, वो भी निकलते हैं बच्चों को लाके। फिर जो है ना एक तो रमजान है, टाइम नहीं होता, और मौसम गर्म बहुत, मौसम बहुत जबरदस्त है, मौसम भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि फिर एक दफा काम होता है, इतने प्यारे मौसम में ना जो है ना बाहर जाना भी अच्छा लग रहा है, बल्कि बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा है, घर में ज्यादा गर्मी लग रही है। हमने देखा होगा, हमने दिखाया जो पहले मैंगो के बाग के अंदर से होके आए, हमने दिखाया वो कितना प्यारा हो रहा था। आधा रमजान हो भी गया इस वजह से, अभी सिर्फ दूध वाले का वेट है, और बाकी दो बच्चों को लेके आना है आधे घंटे तक, वो लाके हम फिर उसके बाद जो है ना हमें उधर से निकलना भी इमरजेंसी में पड़ा है, हमें दरमियान में ही उसकी दूध वाला पहले लेट आता है, आज वो आधा घंटा और पहले आ गया, तो उसकी कॉल आ गई कि आप लोग, मैं मानो को भी सरप्राइज दिया, ये मानो तो परेशानी होगी, उसने कहा हैं आप लोग कैसे आ गए। मैं गई हूँ ना इसकी क्लास में, पता है इसका, इसको लेने के लिए, मुझे कहती है मुझे ना लग रहा था मेरी मम्मा जैसी कोई मुझे लगी है, मैंने मास्क लगाया हुआ था तो उस टाइम पे फिर पहचान लिया था कि मम्मा है, कि मम्मा जैसी ही कोई नहीं पहचाना, मम्मा जैसी थी पहचाना नहीं था, तो इस वजह से बस इसको लेके आई हूँ। अभी इतनी देर में मैं इसको खाना शाना खिला लूँ, हरीम का काम है ना इसका, खाना खिला के दोपहर वाला इसका रोजा रखवा दूँ ना जोर से, जो मगरिब तक इसने रखना है, इसके दूसरे रोजे की तैयारी करा दूँ, फिर आप अली जान को ले आए, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ठीक हो गया, ये अब हम लोग दोबारा सफर में निकल गए हैं बच्चों को ला के, उसके बाद ये देखिए मौसम आज माशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं जो छोटी सिस्टर है ना आतफ की, उनको ईद देने के लिए, और यहाँ पे इस टाइम पे सरसों, वाह, और ये देखें जी सारा बहुत आसमान भी, आसमान ने तो आज ऐसे लग रहा है जैसे हम मरी में रहते हैं, इतना को कोई प्यारा व्यू है ना जिसकी हद नहीं है, बहुत बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। इतनी ठंडी हवा चल रही है आज, रोजे का पता ही नहीं चला कि रोजा कैसे गुजरा, इसलिए हमने सोचा कि दोनों साइड के काम आज ही कर लेते हैं। रोड के किनारे जा रहे थे तो हमें नजर आया बाग, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लश क्रीम किस्म का बाग है, अमरूद और क्या क्या है इसमें, अमरूद ही है इसमें, अच्छा। फिर दोबारा वापसी का जो है ना हमारा सफर शुरू होने लगा है, और ये शुक्र है आज का सबसे अच्छा काम जो है ना, पहले जब हम आते होते थे यहाँ से मिल जाते रहे हैं, एक दो दफ़ा हमने और जगह से भी ट्राई किए, लेकिन वो तो बिल्कुल ना कच्चे होते थे लेकिन खट्टे भी थे साथ, हम लोग कह तो रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं रमज़ान में। तो जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना वापस आ गए हैं, बहुत हेक्टिक था आज, दोनों सिस्टर की तरफ गए हैं और बाइक पे गए हैं, वो सबसे बड़ा मसला होता है कि वो बाइक पे हम जा, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था, मौसम बहुत प्यारा था, मजा आया, आके इफ्तारी का काम करना पड़ा है, तो हाँ। वो अभी बहुत मुश्किल है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि आज एक दिन ये काम जो है ना हो गया, क्योंकि हमारा जो है ना टाइम नहीं बिल्कुल बन रहा, दोनों सिस्टर्स के पास दो दिन का हमने सोचा हुआ ऑलमोस्ट, आज हमने बाइक पे जो है ना, आज मैंने 12 और 60
कोई 80 किलोमीटर बाइक पे गया, दो जगह पे गए हम, दो लोकेशंस पे, और 80 किलोमीटर बाइक पे आज काफ़ी अरसे बाद सफ़र किया और जो है ना कमर हिल गई है। हालांकि हमारा बाइक बहुत अच्छा कंफर्टेबल बाइक है YBR, लेकिन उसके बावजूद भी है ना मुश्किल है काफ़ी। तो आज जो है ना आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।